अवसर पर जिनकी वजह से हमें ये देखने को मिला है, उन महान क्रांतिकारियों को, देश के उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को भी हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों को, जिनमें स्काउट के भी हैं, एनसीसी के भी हैं, हमारी पीटी की जो ट्रेन टीम है वो भी है, और जो हमारे यहाँ पहुंचे क्षेत्र के, उन सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, और आप सबके लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। इस अवसर पर जिनकी वजह से हमें ये देखने को मिला है, उन महान क्रांतिकारियों को, देश के उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को भी हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ चल के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहुत सारे साथी आए हमारे मित्र लोग, उनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित बच्चों, एएचपी इंटर कॉलेज से लेके और एमजीएम पीएम इंटर कॉलेज तक का ये सफर मेरे लिए बड़ा कठिन है। जब मैं आज अपने आप को एमजीएम पीएम इंटर कॉलेज में खड़े देखता हूँ, तो मैं अपने कॉलेज के अध्यापकों को भी जो है उसका धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा जीवन खूब कठिनाई हार नहीं मानना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताता हूँ कि मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ। मैंने एनसीसी का कैडेट रहते हुए कैंप भी किए, मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है। हमारे यहाँ हाई स्कूल जो है हम लोग हासिल नहीं कर पाते। जब मैं कॉलेज में गया, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, तो वहाँ सी सर्टिफिकेट भी है मेरा, मगर मेरा एडमिशन लेट हुआ तो मैं एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे इस बात की बहुत दिनों तक तकलीफ रही कि मैं यहाँ एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया। तो हमें महसूस होगा कि सपना ये था कि जाति, धर्म, स्थान, भाषा, जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, वो अलग बात है कि सियासत की कुर्सी इतनी मजबूत है कि हम उनसे तो नहीं कर पाए जिन लक्ष्यों के लिए देश की कुर्बानी। और मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे कि जिन सपनों को आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों ने, शहीदों ने देखा था, आप और हम लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। आज जहां मैं खड़ा हूं कीरतपुर में, मैं कीरतपुर के साथियों का और बहुत खुले मन से, चाहे वो मेरे साथ थे या नहीं थे, क्योंकि आज मैं उनकी मैं नगीना लोकसभा के आखिरी व्यक्ति के, हर कमजोर किसान मजदूर मजलूम सबकी आवाज बनने का काम और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूं, जो ताकत मुझे नगीना के लोगों ने दी है। मैं नगीना के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दी गई इस कर्ज को तो मुझे उतारना। मैं 25-25 बार जाता हूँ मार्शल के पास रहने के लिए कि भाई मुझे मेरे क्षेत्र के लिए आवाज उठानी, क्योंकि मेरा क्षेत्र सबसे हासिए पे है। ना अच्छे स्कूल बन पा रहे हैं, ना यूनिवर्सिटियां बन रही है, ना कॉलेज आ रहे हैं, अच्छे उद्योग धंधे लग पा रहे हैं, ना महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था हो पा रही है, ना पुल बन पा रहे हैं। मैंने तिरुपति स्कूल का मामला भी उठाया, जो आपको जहाँ जो है फ्लाई ओवर जहाँ दिक्कत होती है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, मैं तमाम प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आपका हमारा प्रयास और अपना दुआएं आपके इस संघर्ष को कामयाब करेगी, ऐसा मेरा भरोसा। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मैं
पार्लियामेंट का दरवाजा मैंने तोड़ दिया है। आप सब लोग जो आना चाहते हैं मेहनत करना शुरू करो। अगले 5 साल बाद हमारी संख्या वहां बहुत होनी चाहिए कि जब मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाऊं तो उसको समर्थन करने वाले वहां लोग। इसलिए मैं पुनः, चाहे वो अग्निवीर का विषय हो या और कोई विषय हो, हर मुद्दे पे हम लोग, और सबसे बड़ी लड़ाई अब हम लड़ेंगे मंडल कमीशन की।